नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में क्यों लगी आग? बढ़ते ट्रेन हादसे पर सबसे बड़ा खुलासा। आखिर भारतीय रेलवे की जमीनी हकीकत क्या है? क्या भारतीय रेल फेल हो गया? रेलवे यातायात का सबसे सुगम, सरल और सस्ता जो है यहाँ पर साधन माना जाता है। और ये कहा जाता है कि रेलवे के माध्यम से लोग घूमना चाहते हैं और एक दूसरे जगह आना जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जब निराश हो जाते हैं तो घूमने के लिए हम रेलवे का जो है साधन लेते हुए आगे बढ़ते हैं और चाहते हैं कि चलो हम कहीं घूम के आएँ। लेकिन आखिर क्यों रेलवे की यातायात दुर्घटनाएँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं? आखिर क्यों रेलवे के हादसे जो है बढ़ते चले जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल भाजपा सरकार पर भी थोपा जा रहा है कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हम देखें तो रेलवे के हादसे बड़े हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या अश्विनी वैष्णव को जो पद सौंपा गया है वो गलत है, या अश्विनी वैष्णव जिस विचारधारा पर, जिस रणनीति पर रेलवे को चला रहे हैं वह गलत है, या फिर सच में कुछ रेलवे में कमी आ गई है, कुछ अधिकारियों में कमी आ गई, इस वजह से ये हादसे बढ़ रहे हैं? यानी कि सवाल अनेक हैं, जवाब एक भी नहीं है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को आपको याद होगा कि जब कोरोमंडल रेल हादसा हुआ था तो उड़ीसा जाना पड़ा था, बड़े दुखी थे। लेकिन अब एक और खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस वे में आग लग जाती है, 3 बोगियों में आग लग जाती है और ये बोगियाँ जल के जो है राख हो जाती है। आप समझिए इतनी बुरी आग लगी कि अगर उसमें जो यात्री बैठे थे उनको नहीं बचाया जाता तो साथ में उनका भी दाह संस्कार हो जाता। तो आप समझ सकते हैं कि लोग निकलते हैं यातायात के लिए, यात्रा करने के लिए, चलो घर के साथ घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन कई यात्रियों को ये पता नहीं हो सकता, वो नहीं जान पाते हैं कि उनकी ये यातायात यात्रा अंतिम यात्रा होगी। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है जमीनी हकीकत को लेकर कि रेलवे हादसा लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर क्या कारण हो सकते हैं, जमीनी हकीकत क्या है रेलवे हादसों को लेकर, इस पर हम जो आज गंभीर से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका Next9 News पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। सर, जमीनी हकीकत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम नए नए मुद्दे लेकर आते हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है। सर, आपने देखा जमीनी हकीकत के तौर पर हम अगर बात करें तो जो दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस है उसमें उसकी बोगियों में आग लग जाती है, उसके पहले सर आप ऑफ द कैमरा हम जिक्र कर रहे थे कोरोमंडल को लेकर, उड़ीसा में कितना बड़ा हादसा हुआ था, 3 ट्रेन टकरा गई थी, उसके पहले भी सर कई बार आपने हादसे देखे। क्या आपको लगता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, क्यों लगातार जो है यहाँ पर ये जो यातायात यात्राएं जो है वो लगातार हादसे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने शुरुआत जिस तरह से की और दूसरी बात आपने कही कि जमीनी हकीकत, देखिए रेलवे सबसे बेहतर और सुगम माध्यम है। जाहिर बात है कि चाहे गरीब हो अमीर हो, उसमें यात्रा करके यहाँ से वहाँ पहुँचता है तमाम प्रदेशों में, और ये कहा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है रेल का और बहुत बेहतर नेटवर्क भी है। लेकिन जिस तरह से लगातार, जैसे आपने बताया भी कि जो हादसे हो रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं, डराने वाले हैं। जैसे आपने बताया कि जो ट्रेन में जो आग लगी है, सोचिए अगर ये उस तरह का डब्बा होता जैसे हम देख रहे हैं आज के हालात की, एक डब्बे में कितने लोग दम घुस के जा रहे हैं तो कैसे निकल पाते वो, सोचिए उन डब्बों में अगर ये हादसा हो जाता, आग लग जाती तो क्या लोगों को बचाया जा सकता था? सर, अभी आपने जिक्र किया कि कैसे लोग जा रहे थे और आपको बता दें कि छठ पूजा नजदीक है, बिल्कुल कहा जा रहा था कि छठ पूजा के लिए यात्री जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो सोचिए वो पूजा करने के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ ये हो जाता है तो सर कहीं ना कहीं उनके आंसुओं का हिसाब तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए रेलवे को अपनी जिम्मेदारी बहुत बेहतर तरीके निभाना चाहिए। देखिए दोषारोपण करके नहीं होगा कि कांग्रेस सरकार में ऐसा हुआ तो बीजेपी सरकार में ऐसा हुआ तो हमने ऐसा किया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जान माल की कितनी बेहतर तरीके से रक्षा कर पा रहे हो, कितनी सुगम तरीके से आप चीज़ों को बेहतर कर पा रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे पीएम मोदी कहते रहे हैं कि रेलवे से मेरा कनेक्टिविटी रही है, मैंने चाय बेची है वहाँ पर, तो मेरे ख्याल में उनका एक इमोशन भी है रेलवे के साथ में। और जिस तरह रेल मंत्री अश्विनी का जिक्र आपने किया, उनको वाकई और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि पहले से बहुत चीज़ें बेटर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी दिखाई दे रही, लेकिन उसके बावजूद जो रेल हादसे हैं, सही कहा आपने कि वो लगातार बढ़ रहे हैं। उड़ीसा में हमने देखा किस तरह से जो कह सकते हैं कि सिस्टम का फेलियोर था वो, और इतने दुखद तरीके से लोगों की उसमें मौत हुई, तो वाकई इस समय रेलवे को अपना इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तकनीक उसको और बेहतर करना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की आग, जैसे हम जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर उन जनरल डिब्बों में लग गया होता, सोचिए कितने जो छठ पूजा की आपने जिक्र किया कि कैसे वो घरों में मातम फैल जाता, तो अपने आप में रेलवे को और बेहतर अपनी रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाते हैं। यहाँ पर एक रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों रेल हादसे बढ़ रहे हैं, आखिर क्या उसकी जमीनी हकीकत है और क्या इस पर सरकार जवाबदेह होगी, इस रिपोर्ट को आप देखें।
नई दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पेशल ट्रेन में बुधवार शाम इटावा में भीषण आग लग गई। जसवंत स्टेशन से निकलने के बाद इटावा से करीब 6 किलोमीटर पहले सराय भूपत के पास S1 कोच में चिंगारी उठी, जो देखते ही देखते लपटों में तब्दील हो गई। S1 सहित उससे जुड़े अन्य कोच में हाहाकार मच गया। यात्री कूदने लगे, 8 यात्री झुलस गए और 18 कूदने पर घायल हो गए। S1 और SLR कोच जलकर खाक हो गए। आग पर काबू पा लिया गया, घायलों का इलाज जारी है। रेलवे अफसरों ने कहा कि जांच की जा रही है, कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि आखिर क्यों रेलवे के हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इसके बारे में सवाल पूछेंगे? दर्शकों, आपको बता दें कि कब कब हादसे हुए। 6 जून 1981 को वो काला दिन, जी हाँ, बिहार में हुआ था। आज से 42 साल 4 महीना पहले 6 जून 1981 को देश की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना सहरसा मानसी रेलखंड के घमाटा घाट के पुल संख्या 51 पर हुई थी, जो भुलाया जा सकता है। 10 सितंबर 2002 नहीं भुलाया जा सकता है। आपको बता देते हैं कि कब जो है बड़े बड़े रेल हादसे हुए। 20 अगस्त 1995 की बात करें तो फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से जाकर टकरा गई। इस हादसे 400 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 26 नवंबर 1998 की बात करें तो जम्मू तवी सियालदह पंजाब में गोल्डन टेंपल मेल के पटरी से उतरने पर 3 डिब्बों से टकरा गई थी। इसमें 215 लोगों की जान गई थी। 2 अगस्त 1999 की बात करें तो ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर रेलवे के कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकराई थी। इसमें 285 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2 जून 2023 की बात करें तो बालासोर में एक मालगाड़ी 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और 12864 बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई थी, जिसमें 280 लोगों की मौत हुई थी। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े हादसे लगातार जो है चल रहे हैं, हो जाते हैं, लेकिन हमारी सरकारें शांत रहती हैं। जिनकी जान जाती है, जिनके परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मौत में जो है तब्दील हो जाते हैं, उनके आंसुओं का हिसाब कौन करेगा? सवाल ये उठता है कि क्या अश्विनी वैष्णव ये बता पाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? क्या अश्विनी वैष्णव ये बता पाएंगे कि क्या रेलवे में कर्मचारियों की संख्या कम है? क्योंकि दर्शकों, सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिर कैसे जो है रेलवे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार जो है मुंह पर उंगली। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को सर, आपसे अगला सवाल मैं यही लेना चाहूंगा इस रिपोर्ट के बाद कि क्या आपको लगता है कि जो जमीनी हकीकत है रेलवे की, उसमें सबसे बड़ा कारण जो है सरकार का हो सकता है, अश्विनी वैष्णव का फेलियर हो सकता है? क्या अश्विनी वैष्णव को लगना चाहिए कि इस्तीफा दे दें, क्योंकि किसी और को अगर मंत्री बनाएंगे शायद इससे बेहतर काम कर सके? बिल्कुल, और देखिए, इस्तीफा देने का चलन तो खत्म ही हो गया है। मुझे याद है अभी भी कि जब रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, शायद उस समय एक छोटा रेल हादसा हो गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि मैं अब इसके योग्य नहीं हूं कि मैं ये संभाल सकूं। आज तो वो कल्चर ही खत्म हो गया, तो वो बात ही नहीं करता कोई उसके ऊपर। पीयूष गोयल और अश्विनी में आप कैसे तुलनात्मक देखते हैं उनको? देखिए, अश्विनी जी अपनी जगह बेहतर हैं, पीयूष जी अपनी जगह बेहतर हैं, लेकिन अगर हम बेहतर चीजों की कल्पना करें, सोच आगे बढ़ाएं, तो शायद रेलवे का ज्यादा उद्धार हो सकता है। रेलवे का ज्यादा बेहतर तरीके से आप जो है उसकी नवीनीकरण की बात कर रहे हो, पैसे अच्छे खासे खर्च हो रहे हैं, आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पहले से और ज्यादा बेहतर हुए हैं, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, बुलेट ट्रेन की बात चल रही है हमारे यहाँ, वंदे भारत हमारे यहाँ शुरू हो गई है, तमाम चीजें हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के हादसे होंगे तो जाहिर बात है कि सवाल उठेंगे कि क्या हम सिर्फ नई चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं उसको ऐसे हमने छोड़ दिया, स्लीपर में आग लग जाती है, कभी जो है कोई और फेल्योर हो जाता है, तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या रेलवे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे, जो अधिकारी हैं या जो उसका सिस्टम है, क्या वो परिपक्वता के साथ में उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे? तो ये सवाल है। और बाकी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो त्यौहारों के मौके पर, खासकर चाहे दिवाली देखें, छठ देखें, रक्षाबंधन देखें और भी तमाम त्यौहार हैं, उस समय रेलवे की कलई खुल जाती है। आप देखिए सूरत में देखिए कैसे भगदड़ मची और वहाँ पर कई लोग अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, त्यौहार मनाने जा रहे थे, अब मातम पसरा हुआ। तो ऐसे में रेलवे को अपनी सुविधाओं में भी ध्यान देना पड़ेगा। मुआवजा की हम बात कर लेते हैं कि जब कोई जो है दुनिया छोड़कर चला जाता है, किसी हादसे में जो है दुनिया को छोड़ देता है, सर मुआवजे के तौर पर देखा जाता है 2 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए, बहुत से 10 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। क्या किसी की जान की कीमत 10 लाख रुपए हो सकती है? आप देखिए सर, की जो बड़े नेता होते हैं, अश्विनी वैष्णव की बात कर लो, करोड़ों की कार में घूमते होंगे, और भी नेताओं की बात कर लो, करोड़ों लाखों का जो है खर्चा होता होगा दिन का महीने का, और जब यहाँ पर किसी की मौत हो जाती है तो यहाँ पर मुआवजे के तौर पर
5 से 10 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि मुआवजे पर जो है जमीनी हकीकत को देखते हुए सरकार को कदम उठाना चाहिए और पैसे को बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि देखिए जिसकी जान चली गई वो जान वापस नहीं आती, वो जान तो चली गई लेकिन परिवार जो उस पर आश्रित, सोचिए कि उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। मुझे एक वाक्य याद आता है कि इसी उड़ीसा वाले हादसे में कि एक शख्स थे, उनकी पत्नी इलाज कराने के लिए उड़ीसा जा रही थी और उस हादसे में वो डेथ कर जाती हैं और इवन उनके पास पैसे नहीं थे, उनका भाई वहाँ पर रहता था, उसने बोला कि आप यहाँ पर भाभी को भेज दीजिए मैं इलाज करा दूंगा, लेकिन वो वहाँ पर डेथ कर गई। उसके बाद उसको चेक मिलता है 10-20 लाख का, तो वो चेक वापस कर देता है कि आप ये चेक अपने पास रखिए क्योंकि जो मेरी संपत्ति थी वो तो खत्म हो चुकी। तो यानी कि आपने जैसे सवाल उठाया है कि पैसे की वजह जो है जान से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बात सही है कि उस पैसे के जरिए बहुत सारी चीजों को बेहतर किया जा सकता है। इसमें सवाल ये भी होता है कि ऐसे आप पैसे को बढ़ाते हैं, मुआवजे को बढ़ाते हैं, साथ में सर जो बच्चे उनकी शिक्षा का बिल्कुल 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 हो सकता है किसी का पिता चला गया हो, किसी की माता चली गई हो, या दोनों जो माँ बाप उनका पुत्र चला गया हो, तो आप समझ सकते हैं कि सर इस तरीके का अगर कोई एक नियम सरकार ला दे कि उस पर काम करे कि उसके बच्चे को पढ़ाई दे दी जाए, विधवा औरत को पति का पेंशन जो, तो तमाम चीज सर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल और जरूरी बात है, आपने मुख्य मुद्दे उठाए जमीनी हकीकत जो ये है कि आज क्या उनके जो बेवा हो गई हैं, इनके पिता चले गए हैं, इनके भाई चला गया, क्या उनका परिवार बेहतर है? और आपसे 2-4 लाख रुपए देकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। आपने महत्वपूर्ण बात उठाई है कि उनके बच्चों को अच्छी स्कूलिंग होनी चाहिए, जो भी तमाम सुविधाएं मिल सकती हैं वो मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका जो आश्रित जिसके ऊपर वो आश्रित थे वो अगर चला गया है तो उस परिवार का विघटन होना तय माना जाता है, क्योंकि देखिए फिर जो छोटे बच्चे हैं वो कामों पर लग जाएंगे, जो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे होंगे, तो ये एक परिवार के लिए भी बहुत त्रासदी है। तो ऐसे में सरकारों को जरूर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रेलवे के जरिए आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि रेलवे हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है आने जाने का, तो अगर इसमें सुधार हो, बेहतर कुछ पैसे का मुआवजे का प्रावधान हो, तो मेरे ख्याल में सच्ची बात क्या होगी। युवाओं का एक सपना होता है कि रेलवे की वैकेंसी निकले, रेलवे में उनको जॉब मिले, रोजगार मिले। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि रेलवे की वैकेंसी मिलने के बाद, रेलवे में रोजगार मिलने के बाद उनका जीवन सुलभ हो जाता है, उनकी जिंदगी की टेंशन खत्म हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रेलवे के हाथ से बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो युवा रेलवे की तरफ बढ़ रहे होंगे, रेलवे की जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, वो भी पीछे हट जाएंगे? देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देखिए आप रेलवे के नेटवर्क को जो तकनीकी तौर पर है उसको सक्षम बनाइए, क्योंकि तमाम दुनिया में हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ रही है, तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं, तमाम तरह की जो है प्रावधान किए जा रहे हैं, तो ऐसे में रेलवे को हमें और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए इस मामले में कि ऐसे हादसे ना हो। हर बार आप देखेंगे कि संसद में बोला जाता है कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, इतने करोड़ का बजट है, सुरक्षा के ये इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो लगता है कि वो सब बातें ही हैं, वायदे ही हैं। और दूसरी बात आपने की प्रिपरेशन की, वाकई इससे फर्क पड़ता है, जो युवा हैं उनका रुझान होता है रेलवे की नौकरी की तरफ, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो वाकई इससे भी फर्क पड़ता है। उस रेलवे में रेलवे चालक है, रेलवे ड्राइवर है, उसमें टीटी है, तमाम रेलवे कर्मचारी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी डर रहता है कि हम अपने फैमिली में अकेले पुत्र और हम कैसे इस नौकरी की तरफ आगे बढ़े। सर सवाल ये भी रहेगा कि कई बार हम लोग ये देखते हैं, हम लोग जब रेलवे में सफर करते हैं कई सारे ट्रैक जो होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, पटरियां बहुत ज्यादा घिस पट जाती है, तो इस पर सही कहीं ध्यान नहीं होता है। जब हम किसी आउट एरिया में घुसते हैं तो सर लगता है कि यहाँ कोई रेलवे कर्मचारी आता ही नहीं होगा, किसी ग्राम से घुसते हैं, किसी नगर कस्बे से घुसते हैं, तो सर इस पे क्या आपका विचार है कि क्या इस पर बदलाव होना चाहिए, सरकार को चेंज करने चाहिए? जाहिर बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया रही थी, क्योंकि देखिए छोटे स्टेशन हैं, छोटी जगह हैं, वहां पर उतना गौर नहीं किया जाता है, और जबकि अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कई बार आपने देखा हो मानव रहित जो क्रॉसिंग होती है कि वहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वही कई बार हम देखते हैं कि ट्रैक्टर कहीं पे रेलवे की चपेट उसमें आ गया, तो कहीं कुछ गाड़ी आ गई, तो ये वाकई सच बात है। और इसमें रेलवे को कम से कम और ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हादसे अमूमन जो जैसे हम ये वाली बात कर रहे हैं, ये हादसे अमूमन छोटी जगहों पे अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। देखा होगा कि बैरिकेडिंग की हम लोग बात कर लेते हैं, सवाल ये रहेगा कि बैरिकेडिंग लगभग अब इलेक्ट्रिक बैरिकेडिंग आ गए हैं कि भाई जैसे सेंसर टाइप के रहते हैं कि जैसे ट्रेन आएगी तो पहले ही उसका जो है आ जाएगा, लेकिन अभी भी कई सारे कस्बे गांव ऐसे हैं, क्षेत्र ऐसे जहां आज भी चाबी वाले जो बैरिकेडिंग है उसका असर नेगेटिव पड़ता है, क्योंकि उसको आधे घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, लोग सोचते हैं कि आधे घंटे बाद जो है ट्रेन आएगी तो उसके बैरिकेडिंग से हाँ क्रॉस कर लिए, कभी गाड़ी निकाल ली, कभी खुद पैदल निकल गए, सर इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव देखा गया है हर बार। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि इन लोगों के ऊपर अगर काम नहीं करोगे आप, इन जगहों पर आप काम नहीं करोगे, तो जाहिर बात है स्थिति जस की तस रहेगी। आज भी देखिए 70-75 साल हमें आजाद हुए हो गए, लेकिन हम अभी तक उन चीजों पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी मैं आपके पास सहमत हूँ इस बात में, और सरकार को सचेत करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तक मुद्दे पहुंचाएं। और आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि भाई रेलवे सुरक्षा की गारंटी अब कम से कम रेलवे को लेना चाहिए, क्योंकि कोई बहाना मत बनाइए आप, उस पर काम करिए।
करिए, उसको बेहतर करिए। आपने मानव रहित क्रॉसिंग की बात की, आपने सेंसर जिस तरह से आजकल एक्टिवेट हो गया उसकी बात की, तो इनको और कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर सोचना होगा। क्योंकि आपने सही कहा कि बहुत सारे लोग 20-25 मिनट वेट करते रहते हैं, फिर वो नीचे निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे और वही हाथों के कहीं ना कहीं बेचारे उसमें कह सकते हैं दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। एक अंतिम सवाल मेरा और रहेगा कि रेलवे चोरियां बहुत बढ़ती हैं, आप जगह ट्रैक के आसपास गट्टी डाल देते हैं, रेलवे का सामान डाल देते हैं, तो लोग उन सामान का यूज घर में कर लेते हैं, कई बार ऐसी रिपोर्ट्स देखी भी गई है, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि उस लोहे को उस सामान को घर में लोग यूज कर रहे हैं। सर इसका क्या कारण है, क्या सर रेलवे को यहाँ पर कर्मचारी प्रदान नहीं करना चाहिए जो इसकी देख रेख कर सके हर बार? जी बिल्कुल, सुनने को बहुत सारी चीज आती है कि कुछ सामान ऐसा है जो लोग उठा के ले गए, कुछ जो लोहे के कह सकते हैं एंगल है या कुछ और चीजें, वो बिल्कुल ऐसा है। लेकिन हाँ ये आपने सही कहा कि इसमें कम से कम रेलवे को अपने सुरक्षा के जो लोग हैं वो उसमें लगाने चाहिए, ताकि जो रेलवे की संपत्ति कम से कम वो इस तरह से खराब ना हो। कई बार आपने देखा भी हो कई जगह ऐसा ही कुछ सामान पड़ा है, तो सालों से पड़ा ही है, तो ये चीज़ों पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए। और साथ में रेलवे को अपनी व्यवस्था में और सुधार लाना चाहिए, ट्रेन में जो इस तरह से हादसे हो रहे हैं, आग लग रही है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये बुनियादी मुद्दे हैं, ज़रूरी मुद्दे हैं, क्योंकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं लगातार जब ये खबरें आती हैं सामने तो यही सुनने को देखने को मिलता है कि रेलवे क्या इस पर आँखें मूंदे हुए, क्या इस पर काम नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल में हम इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी सरकार से कहना चाहेंगे कि वो और बेहतर तरीके विकल्प निकाले, ताकि लोगों की जो कह सकते हैं कि इस तरह के हादसों का शिकार हो रहे हैं वो कम से कम रुक सके। जमीनी हकीकत के इस खास प्रोग्राम में हमने जाना रेलवे की सच्चाई को, रेलवे की जमीनी हकीकत को, लेकिन कई सारे सवाल यहाँ पर अभी भी खड़े हो रहे हैं कि कई सारे लोग रेलवे का दुरुपयोग करते हैं। हम अपने समाज में थर्ड जेंडर का जो है सम्मान करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो थर्ड जेंडर बन के जो है यहाँ पर लूट खसोट करते हैं, पैसे मांगते हैं, गंदी बातें करते हैं। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो थर्ड जेंडर नहीं है, जो कहीं ना कहीं पैसा कमाने का एक जरिया बना चुके हैं, इसको बंद किया जाए। इसके साथ साथ रेलवे चोरी बंद की जाए, और इसके साथ साथ रेलवे में जो कर्मचारियों की संख्या कम है उन संख्या को बढ़ा दी जाए, और रेलवे को बुनियादी तौर पर देखा जाए तो 21वीं सदी का रेलवे बनाया जाए, ताकि लोग देख सके कि हाँ ये भारतीय रेलवे है। आज के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में बस इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।